नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आपको प्रोफेशनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर कोई झटका लगा है तो फिर दुखी होना लाजमी है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है उसके बावजूद भी आप दुखी रहते हैं तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी हो। डिप्रेशन एक प्रकार की इमोशन है, पर जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, बीमारी की संख्या उसे देते हैं, तो तब माना जाता है जब मान लीजिए 2 हफ्ते से अधिक आपका मन उदास रहने लगता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, छोटा छोटा काम बहुत भारी लगने लगता है, बहुत जल्दी हम थकने लगते हैं, हमारी नींद, हमारी भूख इसमें बाधा आने लगती है। जैसे खांसी जुकाम किसी को भी हो सकता है, इस प्रकार से डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकता है। बच्चों में भी देखा जाता है, बुज़ुर्ग लोगों में भी देखा जाता है, ख़ास तौर पर महिलाओं में भी अधिकतर देखा जाता है जब बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद। तो हम कहते हैं कि एक बीमारी है क्योंकि इसके पीछे कई प्रकार के रासायनिक, दिमागी फेरबदल भी चलते हैं। इसके पीछे काफ़ी शोध कार्य हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुई है और ये देखा गया है कि सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल है, न्यूरोकेमिकल है, जो कम होने के चलते आपके जहन में बहुत अधिक नकारात्मक सोच आने लगती है, आप कई चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से याद नहीं रख पाते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और नेगेटिव सोच इतनी हद तक बढ़ जाती है कि कई बार आप सुसाइडल थॉट से भी ग्रस्त हो जाते हैं, खुद को ख़त्म करने की बात सोचने लगते हैं, फ्यूचर में होप कम लगने लगता है। लोग सोचते हैं कि शायद ये वीक विल पावर की वजह से होती है, ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान इसका शिकार हो सकता है। जब मौसम बदलता है तब भी कुछ ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें दिखाई देता है। 4 से 6 हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें से बाहर उभारने का प्रयास किया जा सकता है। लोग अक्सर उसे दूर करने का खुद से प्रयास करने लगते हैं पर कई बार वो प्रयास अधूरे से रह जाते हैं, तो समय रहते उपचार की बहुत आवश्यकता होती है। समय पे सोने का प्रयास, कोई नशा ना करे, कई बार लोग नशा लेने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, परिवार के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से और सही समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट के तहत इसका काफ़ी हद तक इलाज संभव है। डिप्रेशन आजकल एक टर्म है, वो फिर बहुत फैंसी तरीके से यूज़ होना शुरू हो गया है। हर एक को जिसको स्ट्रेस है या जिसके अपने मन मुताबिक काम नहीं होता है उसे लोग डिप्रेशन कह देते हैं। तो डिप्रेशन में आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट न करिए, आपको जो पसंद है वो खाना खाइए, जो आपको खुशी दे वो खाना खाइए। स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट डिप्रेशन में नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर आपको क्रैंकी, डिप्रेस्ड बना देता है। ना कि आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का प्रयोग करना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी, टी या अल्कोहल, इन सब का कंजम्पशन कम करना चाहिए। अच्छी देसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। खसखस एक बहुत अच्छा इलाज है डिप्रेशन के लिए। कैमोमाइल टी फिर बहुत अच्छा इलाज है डिप्रेशन के लिए। अश्वगंधा जो एक हर्ब माना गया है आयुर्वेदा में, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ों का प्रयोग करके जो आपको पसंद हो, कोई चीज़ को रोकिए मत, खाइए और मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। नमस्कार, आज हम उष्ट्रासन सीखेंगे। उष्ट्रासन कम्स फ्रॉम कैमल, तो उसका इंग्लिश मीनिंग इज कैमल पोस्चर। सबसे पहले जिनकी स्पाइन में अक्यूट प्रॉब्लम है वो ये पोस्चर बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। और अगर आप बेनिफिट करना चाहते हैं, अगर आपको ऑलरेडी थोड़ी सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ हैं स्पाइन में, जहाँ आप चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथन हो, जहाँ पे मसल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो और आपके डॉक्टर्स अलाउ करें, तो ये पोस्चर आपकी स्पाइन को हेल्प कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा उष्ट्रासन वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये पोस्चर कैसे करना है अभी हम इसको देखेंगे। आप सबसे पहले वज्रासन में ही बैठेंगे, अपने हील्स के ऊपर बैठेंगे। उसके बाद आप अपने घुटनों पे आएंगे और खड़े होंगे। अपने पैर कंफर्टेबल रखिए, अपने टोज रिलैक्स रखिए, अपने आर्म्स अपने सामने लेके आइए। धीरे धीरे अपना राइट हैंड जो है वो अपनी राइट हील के ऊपर लेके आइए और फिर अपना लेफ्ट हैंड जो है लेफ्ट हील के ऊपर लेके आइए। अपने हिप्स जो हैं आप आगे की तरफ पुश करेंगे और फिर अगर आप चाहें तो अपना हेड
पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ आपने एक ध्यान रखना है कि जब आप इस पोस्चर में हैं तो आपके ये मसल्स आप आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और आपकी जो थाइज हैं वो यूँ लीन नहीं हो रही हैं, वो सीधी हैं। आप ये देखेंगे आप चेस्ट से यहाँ पे ब्रीदिंग ज़्यादा हैवी और लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चेस्ट पे एक प्रेशर है। कितनी देर आप इस आसन में रहना चाहें वो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर सकती है। फिर धीरे धीरे आप जैसे इस पोस्चर में गए थे आप अपना लेफ्ट आर्म आगे लाएं, फिर आप राइट आर्म आगे लाएं। यहाँ से आप इसके लिए ऑपोजिट पोस्चर, अपने हाथ नीचे लाते हुए अपना फोरहेड नीचे लाइए। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे आप आके वज्रासन में वापस बैठिए। अगर आप अपने हाथ अपने हील्स पे नहीं लेके जा सकते तो आप अपने हाथ अपनी पीठ पे रखेंगे। सो आप उसके लिए भी आप जैसे इस पोस्चर में आए थे शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने हाथ पीछे ला के और धीरे धीरे अपने आप को बैकवर्ड बेंड में लाइए एंड देन यू स्लोली कम आउट ऑफ द पोस्चर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में, यानी कि वो आंखों के घेरे जो परेशान भी करते हैं और आपको स्लीपलेस नाइट्स भी देते हैं। डार्क सर्कल्स की कई वजहें हो सकती हैं, एक तो पानी की संख्या कम पीना, अंदरूनी बीमारी, विटामिन का आपकी बॉडी में कम होना, आपकी डाइट इरेगुलर एंड पोषण कम होना। डाइटरी चेंजेस डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप अपनी डाइट में ताज़ी सब्जियां, फल, दूध, पनीर, चीज़, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें। आप देखेंगे कि आपकी इंटरनल विटामिन्स जो है वो आपकी त्वचा को हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो शरीर में टॉक्सिन बिल्डअप होता है उसको आप पानी के द्वारा फ्लश आउट कर सकते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोज़ पीना है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स की एक और वजह हो सकती है नींद ना ठीक आना, और इसके लिए आपको एक रेगुलर लाइफस्टाइल अडाप्ट करना पड़ेगा जिससे आप देखें कि आपको जो नींद नहीं आती है वो क्या थकान, स्ट्रेस, वरी किस वजह से नहीं आती है, एंड आप किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। एक्सटर्नली आप एक बहुत ही अच्छा नुस्खा घर पे अपना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बादाम का तेल। बादाम का तेल आप अपनी तीसरी उंगली में लेके आई एरिया पे डैप करें, ऊपर की लिट पे एंड लोअर लिट पे। इसको आप अच्छी तरह मसाज करें कम से कम 5 और 7 मिनट तक। ये तेल आप 15-20 मिनट आंखों पे छोड़ दीजिए और फिर एक आई मास्क बनाएं। ये आई मास्क आईज को ठंडक भी देता है, थकी हुई आंखों को रिलैक्स भी करता है और डार्क सर्कल्स की परेशानी दूर कर देता है। इसके लिए आपको चाहिए खीरा, नींबू और चाइना क्ले। खीरा को लेके आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। खीरे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि ये ठंडक देता है, इसमें एंटी टैन एक्शन भी होता है, लाइटनिंग भी देता है, तो ये आँखों के एरिया के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये आप देखेंगे कि हमने खीरा पूरी तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाइना क्ले यानी कि काउलिन पाउडर। ये एक बाइंडिंग इफेक्ट देगा आपके मास्क को और इसमें आप एक और लाइटनिंग प्रोडक्ट डालेंगे, वो है नींबू। इन चीज़ों को आप मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि खीरे का अपना ही पानी निकल के आता है और ये पैक बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। आपका पैक तैयार है। आपकी आंखों पे वो बादाम का तेल ये स्किन में सिंक कर गया है। आप एक पतली बैंडेज लेके आंखों के ऊपर लगा लीजिए और ये मास्क आंखों पे लगा के थोड़ी देर लेट जाइए। कम से कम 10 मिनट आप इस पैक को ज़रूर रखें और फिर इसको बैंडेजेस को उतार के आंखों को दूध से धो डालें और ठंडे पानी से। फिर आप देखिए कि अगर आप इस पैक को कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार अपनाएंगे तो आपके डार्क सर्कल्स जल्द से जल्द कम हो जाएंगे।
आपकी फिटनेस के लिए मैं लाई हूँ 4 एक्सरसाइजेस जो आप आराम से अपने दिनचर्या में कभी भी फिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आपे बस मुझे फॉलो करना है। पहली एक्सरसाइज हम 1 मिनट के लिए करेंगे जो है नी हाइज। ऑन द स्पॉट हम ऐसे रन करेंगे जिसमें आपके नीज जो हैं आपके चेस्ट लेवल तक आएंगी। सेकेंड एक्सरसाइज हमारा स्क्वाट है जिसमें हमारे जो लेग्स हैं वो हिप डिस्टेंस से ज़्यादा ब्रॉड रहेंगे। हाथ हमारे इस प्रकार से आगे आएंगे और हम ऐसे स्क्वाट करेंगे जैसे पीछे कुर्सी लगी हुई है। जिस टाइम हम ऊपर आते हैं उस टाइम ज़रूरी है कि आप अपने ग्लूट मसल्स को स्क्वीज़ कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है माउंटेन क्लाइंबर जिसके लिए हम मैट पे जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे जो पाम्स रहेंगे वो डायरेक्टली शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, एब्स ब्रेस्ड रखेंगे और पेल्विक को हम बहुत स्टिफ रखेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स जिसके अंदर हमारे जो पाम्स रहेंगे वो शोल्डर विड्थ से ज़्यादा ब्रॉड रहेंगे। हम नीज पे करेंगे ये एक्सरसाइज। इन चारों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन 1-1 मिनट का रखेंगे और इसको 3 बारी हम रिपीट करेंगे। आप देखिएगा ये चारों एक्सरसाइजेस कितनी ही इजी है और आप आराम से इनमें बहुत बेनिफिट पा सकते हैं। अक्सर जब हम अपनी पिक्चर्स देखते हैं तो यही सोचते हैं कि काश हमारी नोज थोड़ी और शार्प होती, थोड़ी और डिफाइंड होती। आज हम सीखेंगे कि मेकअप के जरिए हम कैसे अपनी नोज को और शार्पर और डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक ब्राउन आई शेडो, इसे अपनी मिडिल फिंगर में हल्का सा रब करिए और फिर थंब के साथ ब्लेंड कर लीजिए। अब अपने नोज को इनर कॉर्नर से पकड़ते हुए टिप तक आ जाएं। ऐसा हम एक बार और करेंगे, इनर कॉर्नर से पकड़ा और टिप तक ले आए। हल्का सा ब्लेंड करिए दोनों तरफ से और देखिए कैसे नेचुरली आपकी नोज थोड़ी सी और शार्प दिखेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें अपनी परेशानी बताना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।